तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 6 फरवरी 2020 के लिए 50 मार्क्स हिंदी का यहां पे 30 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है, जो कि आपको इससे यहां पे बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। इसलिए सो रिलैक्स, आराम से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि इनमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, तो फर्स्ट का सीन से डी हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को आंसर मालूम है तो कमेंट करते चलिए, ठीक है, इससे आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को याद नहीं है तो याद करते चलना है, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे जस्ट ही एग्जाम है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि क्रोध शब्द का यहाँ पे लिंग निर्णय करें। क्रोध शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो 2 का सही आंसर बी हो जाएंगे, जो कि पुल्लिंग हो जाएंगे, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 में बोला जा रहा है, 3 में बोला जा रहा है कि आलोक शब्द का विलोम शब्द होता है, तो आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा। 3 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 3 का सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे, जो कि अंधकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई। 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 में बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो 6 का सही आंसर ए हो जाएंगे, जो कि गोपाल सिंह नेपाली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 में बोला जा रहा है कि नूतन शब्द का विलोम होता है, तो नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, 7 का सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि पुरातन हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि एक शब्द का संधि विच्छेद है, 8 का सही आंसर बी हो जाएंगे, जो कि 1+1, जो कि इसे यहाँ पे मिलकर एक शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 में बोला जा रहा है कि गौरा शीर्षक रेखा चित्र के लेखक का नाम है, यानी गौरा शीर्षक के लेखक कौन है, तो 9 का सही आंसर बी हो जाएंगे, जो कि महादेवी वर्मा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि सदाबाणी शब्द का संधि विच्छेद है, 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि सत्य प्लस वाणी हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 11 का सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे, जो कि संज्ञा के 5 भेद है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 बोला जा रहा है कि दया शब्द का लिंग निर्णय करे, तो 12 का सही आंसर ए हो जाएंगे, जो कि दया स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर में बोला जा रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है, तो यहाँ पे 13 का सही आंसर ए हो जाएंगे, जो कि अपना काम निकालना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में बोला जा रहा है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है, 14 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 14 का बी हो जाएगा, जो कि जानबूझकर अपना नुकसान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 बोला जा रहा है कि रहीम का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे रहीम के पूरा नाम अब्दुल रहीम खा खान खाना है, ठीक है, तो 15 का सही आंसर डी हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 बोला जा रहा है कि प्राचीन का विलोम है, तो 16 का सही क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जो कि आवार चीन हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 बोला जा रहा है कि प्रच्छन्न का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रच्छन्न का यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि प्रकट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 बोला जा रहा है कि कमल का प्रवाची नहीं है, तो यहाँ पे 18 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, क्योंकि निर्धी हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि आकाश का प्रवाची है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, जो कि सभी हो जाएंगे, ठीक है, आकाश का नभ हो जाएगा, उसके बाद गुलोक हो जाएगा, गगन हो जाएगा, ये सब आकाश का प्रवाची शब्द है, ठीक है, इसलिए सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 बोला जा रहा है कि कवि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, 20 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, जो कि जौनपुर जिला में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि अनिवर्चनीय हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 बोला जा रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला, यहाँ पे 22 का सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि कुशाग्र हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, 23 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जो कि इरावत दरभंगा में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 बोला जा रहा है कि मुक्का मुक्की में कौन सा समास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 24 का सही आंसर यहाँ पे दी हो जाएंगे, जो कि द्वंद समास है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि प्रेमचंद का जन्म किस ग्राम में कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे 25 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा, जो कि वाराणसी के लम्ही गाँव में हुआ था, ठीक है, इसलिए लम्ही हो जाएंगे।
छह मील दूर, यहाँ पे वाराणसी से 6 मील दूर यहाँ पे लम्ही गांव में हुआ था प्रेमचंद का जन्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 बोला जा रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। 26 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 26 का बी हो जाएगा, जो कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 में बोला जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन है। 27 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो कि पुराना हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि इच्छा में प्रत्यय बताएं, तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, जो कि आ हो जाएंगे। इच्छा यहाँ पे प्रत्यय बताना है तो आ हो जाएंगे, तो 28 का सही आंसर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जो कि 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 में बोला जा रहा है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे 30 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटर परीक्षा 6 फरवरी 2020 के लिए 50 मार्क्स हिंदी का यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्यों किए, ठीक है, जो कि आपको इससे बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।